तस्वीरें एक बार ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी के डर से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, एक जगह पर नहीं कई जगहों पर उतारे जा रहे हैं। योगी सरकार लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर एक्शन में आ गई है। ध्वनि कानून तोड़ रहे या अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर के खिलाफ जैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस रेड डालने निकली तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। कई जगहों पर यूपी पुलिस के आने से पहले ही आनन फानन में लोगों ने अपने लाउड स्पीकर उतारने शुरू कर दिए। कानपुर, बाराबंकी, बुलंदशहर, हरदोई, बदायूं समेत कई जिलों में अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की गई। जिस तेजी से लोगों ने लाउड स्पीकर लगाए थे उससे कई तेजी से उतार भी दिए। बताया जा रहा है कि एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर 3000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। कुछ पुलिस ने उतरवाए तो कुछ डर के मारे लोगों ने खुद ही उतार दिए। आपको बता दें, यूपी सरकार को शिकायत मिली थी कि लाउड स्पीकर की संख्या और उनकी धनु दोबारा बढ़ गई है, जिसके बाद योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन में आ गई। यूपी पुलिस ने कई जगहों पर सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच कई सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों की चेकिंग की। चेकिंग के बाद करीब 7200 लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम कराया गया, जबकि निर्धारित सीमा से ज़्यादा ध्वनि पर चल रहे 3238 लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि योगी सरकार ने सिर्फ मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की है और योगी मुस्लिम विरोधी हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जहां कानून का उल्लंघन मिला वहां मंदिरों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो मस्जिद हो या फिर मंदिर। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि राज्य में लाउड स्पीकरों की ध्वनि को नियंत्रित किया जाए। उस समय योगी के निर्देश के बाद तुरंत गोरखनाथ मंदिर के लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम कर दिया गया था। योगी का आदेश सभी धार्मिक स्थलों के लिए था, फिर चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद। लेकिन शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि सीएम योगी इतना बिजी है कि वो अपने निर्देशों को भूल गए होंगे। इन लोगों ने दोबारा लाउड स्पीकर लगा लिए और जोर जोर से बजाने भी शुरू कर दिए, लेकिन नतीजा आपके सामने है।